अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, आपका कोई अपना ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कभी भी किसी को भी गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी आपका साथ छोड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसे कौन सी चीजें हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में जरूर लिखें जय माता दी, ताकि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो चलिए अब हम अपने मूल टॉपिक पर आते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो कभी भी आपको किसी को भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति गिफ्ट में देते हैं, तो आपको बता दें ये गलत है। गणेश जी जो आपके घर में खुशियां लाते हैं और माँ लक्ष्मी जो धन की बरसात करती है, अगर आप किसी को गिफ्ट में दे देंगे तो भला आपके पास क्या बचेगा। आप खुद ही सोचिए कि क्या आप अपने घर की लक्ष्मी को कैसे किसी को दे सकते हैं, इसलिए ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। कहते हैं कि सोना और चांदी आपको तभी किसी को देना चाहिए जब अगर वो आपका बहुत ही करीबी है। अगर कोई आपका अपना है तो ही आपको उसे सोना चांदी गिफ्ट में देना चाहिए, वरना बाहरी व्यक्ति को आप ऐसे ही सोने चांदी के गिफ्ट ना दे तो अच्छा रहेगा। रुमाल सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी किसी को रुमाल गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि ऐसा करने से आपके रिश्ते कमजोर होते हैं। अगर आपको किसी को रुमाल देना पड़ जाता है तो उससे कुछ पैसे ले लें, जैसे 10, 20, 50, जैसी भी आपकी इच्छा हो जरूर ले लीजिएगा, वरना जिसे आप रुमाल दे रहे हैं उसके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। नुकीली चीजें भी यानी धारदार चीजें भी आपको कभी किसी को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, और ना ही किसी से इसे आपको लेना चाहिए, इससे आपके रिश्ते खराब होंगे। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब घर में किसी की शादी हो तो शादी का खर्च उठाने के लिए लोन लेते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। वैसे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, एक बार कर्ज लेकर शादी का खर्च पूरा होने के बाद लोग धीरे धीरे उस कर्ज को उतार भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोग कर्ज नहीं उतार पाते और इस कर्ज के बोझ की वजह से उन्हें बहुत मुसीबतें उठानी पड़ती है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्ज लेकर शादी का खर्च उठाने तक ठीक है, लेकिन जो सगाई की अंगूठी है, एंगेजमेंट रिंग, उसे कभी भी कर्ज के पैसे से मत लीजिएगा। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। जितने भी पैसे आपके पास हैं, अपने पैसों से ही आप सगाई की अंगूठी खरीदिए, उस अंगूठी को कर्ज के पैसों से मत लीजिएगा। दोस्तों, अगली चीज है टॉवल यानी तौलिया। तौलिए में बैक्टीरिया फंगस बहुत कुछ होता है, और अपना तौलिया तो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के शरीर की ऊर्जा से आपको फर्क पड़ सकता है। वो आपके पास आ सकती है, उनकी नकारात्मकता आपके ऊपर असर डाल सकती है, इसलिए घर के सभी सदस्य को अपना अपना तौलिया इस्तेमाल करना चाहिए। अलग अलग तौलिया रखें, किसी और का तौलिया इस्तेमाल ना करें। महिलाएं कभी भी भूल कर भी रात में किसी को भी दही ना दें। अगर आप किसी को दही देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी माता बहुत जल्दी नाराज हो सकती है, और जिसे आप दही दे रहे हैं आपकी बरकत भी उसी के साथ चली जाती है। फिर लाख प्रयास के बाद भी मुश्किलों से ही माता लक्ष्मी वापस आपके घर आएंगी। दोस्तों, शनिवार के दिन चांदी के आभूषण खरीदकर किसी को भी उपहार में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आप कर्जदार बन सकते हैं, यानी आप कर्ज में फंस सकते हैं। अगर शनिवार के दिन आप कोई सफेद मूर्ति खरीदकर किसी को भेंट करते हैं तो इससे दुर्घटना का भय बनता है, या अगर आप किसी के लिए गिफ्ट में कोई शोपीस खरीद रहे हैं और वो सफेद रंग का है, तो याद रखिएगा कि शनिवार के दिन इसे ना खरीदें, लेकिन खुद के लिए आप सफेद मूर्ति या शोपीस खरीद सकते हैं। पर चांदी तो आप खुद के लिए भी शनिवार के दिन खरीदने की गलती ना करें, क्योंकि शनिवार के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, इस दिन चांदी खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, शनिवार के दिन तांबे के बर्तन दान करने से व्यापार में घाटा होने लगता है, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और शनिवार के दिन चमेली के तेल या इत्र भी किसी को अगर आप भेंट करते हैं तो इससे बीमारियां आपको परेशान करती है। दोस्तों, किसी भी महिला को भूल कर भी अपने पैर की बिछियां, जो कि पैरों की उंगलियों में पहनी जाती है, किसी को भी नहीं देनी चाहिए। अपनी खुद की पहनी हुई बिछियां तो कभी भी किसी को भी मत दीजिएगा, वरना आपके लिए ये बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए आप अपनी पहनी हुई बिछियां अपनी बहन को, माँ को, ननद को, किसी को भी ना दें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।